हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस परिवार टॉपर चॉइस में। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम बात करते हैं हिंदी विषय के पांचवे पाठ के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? हिंदी का जो पांचवा पाठ है उसका नाम क्या है बच्चों? नागरी लिपि। ठीक है, क्या नाम है? नागरी लिपि। और इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर तक, हिंदी के जो 4 चैप्टर हैं उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया था, अच्छे तरीके से समझ लिया था, पढ़ लिया था। तो चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं इस क्लास के लिए? आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जितना जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर क्लास अच्छा लगे तो फिर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय के 5वें नंबर पाठ नागरी लिपि के बारे में। और इसके लेखक कौन है? नागरी लिपि के सबसे पहले आप लोग बताइए इसके लेखक कौन है। अगर याद है तो आप लोग कमेंट कीजिए, याद है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इनके जो लेखक हैं गुणाकर मूले जी हैं। ठीक है, कौन? गुणाकर मूले जी इनके लेखक हैं नागरी लिपि के बारे में। ठीक है, तो नागरी लिपि क्या है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, ये सब किस लिपि में आते हैं? देवनागरी लिपि कहा जाता है, या फिर नागरी लिपि भी इसी को कहा जाता है। आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में लिपि के बारे में पढ़ा होगा, लिपि के बारे में पढ़ा होगा, और उसमें हमने बताया था कि देवनागरी लिपि क्या है। ठीक है, तो इसी इसी नागरी लिपि के जो मतलब देवनागरी लिपि जो है इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो विकास हुआ कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है, इसी विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेखक का जीवन परिचय। क्या पढ़ेंगे? गुणाकर मूले जी का जीवन परिचय सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पाठ का सारांश पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ का सारांश पढ़ने का मतलब यह है कि पूरा बुक अगर हम लोग पढ़ाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, और पाठ का सारांश का मतलब कि पूरे पाठ में लेखक जो है क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके पूरे निचोड़ हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ के सारांश में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुणाकर मूले जी का जीवन परिचय से। देखिए, नागरी लिपि, नागरी लिपि लेखक कौन है? गुणाकर मूले। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 5 का जो शीर्षक है नागरी लिपि है, और इसके लेखक जो हैं गुणाकर मूले जी हैं। ठीक है, अब देखें इनका जीवन परिचय। नागरी लिपि के लेखक का नाम गुणाकर मूले था। इनका जन्म जो है 3 जनवरी 1935 ईस्वी। कब हुआ था इनका जन्म? 3 जनवरी 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था गुणाकर मूले जी का जन्म। और कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1935 ईस्वी को। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये सब याद रखिएगा। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में पाई। इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो गांव साइड का था, मतलब देहात साइड में इन्होंने किया था, ग्रामीण परिवेश में किया था। ठीक है, और किस भाषा में किया था? मराठी भाषा में किया था। ठीक है, किस भाषा में किया था? मराठी भाषा में किया था। मिडिल स्तर तक, मतलब मिडिल स्तर तक मराठी में पढ़ाई करने के बाद ये वर्धा चले गए। कहाँ पे चले गए? मिडिल स्तर की पढ़ाई करने के बाद ये कहाँ पे चले गए? वर्धा चले गए, और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। कितने वर्षों तक नौकरी की? 2 वर्षों तक नौकरी की, तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया, इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय से एमए किया। ठीक है, पूछा जाए कि गुणाकर मूले जी ने एमए कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद से किया था। किस विषय से किया था? तो गणित विषय से किया था। अंत में इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर, कितना? 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? याद रखिएगा, जन्म, जन्म स्थान और मृत्यु, ये तो याद रखिएगा। और इस शीर्षक के जो लेखक हैं गुणाकर मूले जी हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आप सबसे।
चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनकी रचनाएं, इसके अलावा इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी और भारतीय विज्ञान की कहानी इत्यादि सब इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है वो कहां से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। किससे लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी, ठीक है ना, इससे लिया गया है। ये जो नागरी लिपि है इसी से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी इनकी जो प्रमुख रचना है। तो चलिए अब हम लोगों ने लेखक के बारे में भी जान लिया, उनकी रचनाओं के बारे में भी जान लिया, अब हम थोड़ा पाठ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पाठ का परिचय, पाठ का परिचय पहले कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इनमें हिंदी की लिपि नागरी या फिर देवनागरी की ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक रूपरेखा मतलब कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे विकास हुआ, समय के साथ नागरी लिपि का कितना विकास हुआ है अभी तक, ये सब आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे, इस पाठ में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पाठ। ठीक है, पाठ का सारांश, प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि, प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि गुणाकर मूले के द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास एवं व्यवहार पर अपना विचार व्यक्त किया है। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। अभी आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं ना, बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जिस लिपि में लिखा गया है इसी को देवनागरी लिपि कहते हैं या फिर नागरी लिपि कहते हैं, इसी को आप लोग देख रहे हैं ना ये सब, हाँ इसी लिपि को देवनागरी लिपि या फिर नागरी लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि का टाइप लगभग 250 वर्ष मतलब 250 वर्ष पहले बनी, ऐसी जो लिपि है इसकी टाइप कब बनी, लगभग 250 वर्ष पहले। ठीक है, 250 वर्ष पहले ऐसी लिपि का जो है टाइप बनी थी। इसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है, किसके विकास से, नागरी लिपि के विकास से अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब बात करते हैं हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, हिंदी में या हिंदी के अलावा भी कुछ विविध बोलियां होती हैं, जैसे कि संस्कृत हुई, मराठी हुई, तेलुगु, तमिल, ये सब। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, संस्कृत एवं नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, नागरी लिपि में, संस्कृत भी नागरी लिपि में लिखी जाती है और नेपाली भी नागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व में संस्कृत एवं प्राकृत की पुस्तकें प्रायः इसी लिपि में छपती है। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में संस्कृत भाषा की और प्राकृत भाषा की, ठीक है, प्राकृत एक भाषा है तो प्राकृत भाषा की और संस्कृत भाषा की जो पुस्तकें छपती हैं वो किस लिपि में छपती हैं, देवनागरी लिपि में ही छपती हैं। देश में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाएं तथा बोलियां भी इसी लिपि में लिखी जाती हैं। अब सोचिए कि इस लिपि का कितना महत्व है अपने देश में। ठीक है, जितनी भी किताबें छपती हैं, पेपर छपती हैं हिंदी और संस्कृत नेपाली में, ये सब क्या है, या अपने क्षेत्रीय भाषा की बात करें, भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी किस लिपि में छपती हैं, तो नागरी लिपि में छपती हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की लिपियों में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन ये लिपियां भी नागरी की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। अगर आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि ये जो नागरी लिपि है, नागरी लिपि का विकास या नागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस लिपि से हुई, तो याद रखिएगा नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से आई है। किस लिपि से आई है, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति हुई है नागरी लिपि की और वहीं से इसका विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि से ही नागरी लिपि का विकास हुआ। लेखक का कहना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। कहां से मिले हैं,
आरंभिक जो मतलब आरंभ में शुरुआत में जो लेख मिले थे वो कहां से मिले थे? दक्षिण भारत से मिले हैं। यह लिपि जो है नंदी नागरी लिपि कहलाती है। यहां पर ध्यान दीजिए, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि और एक और नया नाम देखने को मिला, नंदी नागरी लिपि। ठीक है, इसके तीन नाम हो गए, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि और नंदी नागरी लिपि। याद रखिएगा ये तीनों नाम। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है, फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया है। मतलब बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने, शासकों ने जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, उन्होंने किसका प्रयोग किया है? नागरी लिपि का प्रयोग किया है। जैसे जैसे 11वीं सदी में राजराज और राजेंद्र, राजराज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं ने, कहाँ के ये राजा थे? चोल वंश के थे। तो चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित हैं। 11वीं सदी में अगर बात की जाए तो राजराज और राजेंद्र जैसे जो प्रतापी चोल राजा थे, मतलब चोल वंश के जो राजा थे, उनके भी सिक्कों पर क्या अंकित था? नागरी अक्षर भी अंकित था। 12वीं सदी की बात की जाए, 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर, केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य, वीर केरलस्य। इसी प्रकार 9वीं सदी के वसगुण, 9वीं सदी के वसगुण का पलियम ताम्र पत्र नागरी लिपि में है। जब 9वीं सदी की बात की जाए, 9वीं सदी की बात की जाए तो वसगुण का पलियम ताम्र पत्र जो है किस लिपि में है? नागरी लिपि में है। तो 11वीं सदी में, अब 11वीं सदी में इस्लामी शासक की नींव डालने वाले महमूद गजनवी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इस्लामी शासक की नींव डालने वाले कौन थे? तो महमूद गजनवी जो थे इस्लामी शासकों के नींव डालने वाले थे, और इस्लामी शासक की नींव डालने वाले महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। कौन से लिपि के मिलते हैं? नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपनी जो नागरी लिपि है बहुत प्राचीन समय से ही चलती आ रही है, बहुत प्राचीन समय में भी इसके जो प्रमाण मिलते हैं, पहले के राजाओं महाराजाओं के जो सिक्के चलते थे उस पर भी नागरी लिपि में ही अंकित रहता था। और आज भी जितने भी संस्कृत हो, मराठी हो, तेलुगु हो, नेपाली हो, ये सब जितनी भाषाएं छपती हैं तो ये सब किस लिपि में छपती हैं? नागरी लिपि में छपती हैं। गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। नागरी लिपि में कौन सा शब्द अंकित है? रामसीय। ठीक है, रामसीय जो शब्द है वह अंकित है। अब देखिए तात्पर्य का मतलब बताए का अर्थ है, इसका मतलब है कि नागरी लिपि का जो प्रचलन है ईसा की 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हो गया था। पूछा जाए कि नागरी लिपि कब से शुरू हो गया था, या फिर नागरी लिपि का प्रचलन जो था कब से शुरू हो गया, किस सदी से शुरू हो गया? याद रखिएगा, नागरी लिपि का जो प्रचलन था 8वीं-9वीं सदी से ही आरंभ हो गया था। कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए, लेखक ने लिपि की पहचान में कहा कि ब्राह्मी तथा सिद्धम लिपि अक्षर के सिरों पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। अब इसके पहचानने का तरीका क्या है? तो कहा जाता है कि ब्राह्मी तथा सिद्धम लिपि के अक्षर के सिरों पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। ठीक है, लकीरों की लंबाई और चौड़ाई एक समान रहती है, यही ब्राह्मी और सिद्धम लिपि का पहचान है। प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। अगर प्राचीन मतलब पहले के अगर नागरी लिपि की देखा जाए और आधुनिक अब जो लिखा जा रहा है नागरी लिपि को देखा जाए तो दोनों में काफी मेल जोल रहता है, मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो नागरी लिपि के जो लेख हैं 8वीं सदी से ही मिलते आ रहे हैं, उत्तर भारत में देखा जाए तो 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है
इस नई लिपि को नागरी लिपि, देवनागरी तथा नंदी नागरी क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, जब हम लोगों ने तीन नाम जाना, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि और नंदी नागरी लिपि, तो मन में यह प्रश्न तो उठ ही रहा होगा, मन में यह प्रश्न तो उठ ही रहा होगा कि आखिर ये सब नाम कैसे पढ़े, नंदी नागरी क्यों कहा गया, फिर देवनागरी क्यों कहा गया, या फिर नागरी लिपि क्यों कहा गया। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नागरी जो शब्द है, नागरी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत एक नहीं है, मतलब अलग अलग जो विद्वान थे अलग अलग तर्क दे रहे थे, उनकी अलग अलग राय थी इस विषय पर। ठीक है, कुछ विद्वानों का मत है, मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि गुजरात के नगर ब्राह्मण ने, गुजरात के नगर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कुछ विद्वान कहते हैं, मतलब सभी नहीं, अभी तक कोई भी विद्वान जो है कंफर्म नहीं कर पाया है, लेकिन अलग अलग जब विद्वानों से पूछा गया तो सबकी अलग अलग राय थी। ठीक है, सभी ने अलग अलग तर्क दिए। अब देखिए, उसमें से कुछ विद्वान जो हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि गुजरात के नगर ब्राह्मण ने, गुजरात के नगर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। अब नगर, नगर ब्राह्मण के जो सबसे पहले सर्वप्रथम उपयोग किया था, इसलिए उसका नाम नागरी पड़ा। और किंतु कुछ विद्वानों के मत से, मतलब कुछ और विद्वान जो कहते हैं कि अनुसार ये नगर तो मात्र नगर है, यह नगर मतलब गुजरात के जो नगर है, ये नगर तो मात्र नगर है, लेकिन काशी को देवनागरी माना गया है। ठीक है, कहा जाता है, मतलब कुछ विद्वान तर्क दे रहे थे कि गुजरात के जो नगर ब्राह्मण है, नगर ब्राह्मण के जो लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग किया था, इसलिए उसका नाम नागरी रखा गया। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई वो तो नगर एक नगर है, वो तो नगर एक नगर है, लेकिन अगर काशी को देखा जाए तो काशी क्या है, देवों का नगर है। ठीक है, काशी क्या है, देवों का नगर है, इसलिए उसका नाम देवनागरी रखा गया, इसलिए उसका नाम देवनागरी पड़ा। अलबेरूनी के अनुसार, अलबेरूनी के अनुसार 1000 ईसा के आसपास, 1000 ईसा के आसपास नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर की स्थापत्य कला की विशेष शैली को नगर शैली कहा जाता था। यह नगर या नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता था। उस समय उत्तर भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, अलबेरूनी जी कहते हैं कि 1000 ईसा के आसपास नागरी जो शब्द था किसी नगर अथवा शहर के स्थापत्य कला के विशेष शैली को नगर शैली कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, नगर शैली कहा जाता था। यह नगर या नागरी जो है उत्तर भारत के किसी बड़े नगर, उत्तर भारत के किसी बड़े नगर या फिर बड़े शहर से संबंध रखता था। उस समय अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। कौन था, पटना जो है उत्तर भारत में उस समय उत्तर भारत में पटना जो है सबसे बड़ा नगर था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। ध्यान दीजिएगा, जब गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका नाम विक्रमादित्य था, उनका व्यक्तिगत नाम क्या था, देव था। होता है ना, आप लोगों का भी नाम होगा, एक घर का नाम एक पुकारने वाला नाम होता है और एक स्कूल कॉलेज में कोई दूसरा नाम होता है। उसी प्रकार जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनका नाम तो विक्रमादित्य था, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो नाम था वो देव था। क्या था, देव था। और इसी के कारण देखिए, इसके नीचे आगे कट गया है, इसके आगे हम बता देते हैं कहानी क्या है कि देखिए, विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, देव था। और लेखक ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि पटना को इनके नाम के कारण ही पटना को देवनगर कहा गया हो और वहां की लिपि को देवनागरी लिपि का नाम दे दिया गया हो, ऐसा जो लेखक है अनुमान लगाते हैं। ठीक है, लेखक जो है अनुमान लगाते हैं कि जब विक्रमादित्य का नाम व्यक्तिगत नाम देव था, तो हो सकता है क्योंकि ये वहां के शासक थे, तो हो सकता है कि इनके नाम के कारण ही पटना को देवनगर कहा जाता हो।
और देवनगर कहने के चलते वहां की लिपि को देवनागरी लिपि कह दिया जाता हो या फिर देवनागरी लिपि नाम पड़ गया हो, ऐसा लेखक का कहना है, ऐसा लेखक का मानना है, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, ये अनुमान लगाया जा रहा है लेखक के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोगों को कैसा लगा क्लास? आप लोगों ने नागरी लिपि के बारे में जान लिया, नागरी लिपि के कितने नाम है, नागरी लिपि के कितने नाम है, नागरी लिपि के तीन नाम है, एक नागरी लिपि, एक देवनागरी लिपि और एक नंदी नागरी लिपि। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास? अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया हो, कहीं पे भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, उसका जवाब जो है उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, अगले चैप्टर के साथ, एक नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक आप हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।